हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो 30 अक्टूबर 2020 को है, यहाँ पर MTS का जो टायर 2 का रिज़ल्ट है वो यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है। जो पेपर 2 का रिज़ल्ट है, जो कि आपके पेपर 2 हुआ था 24 नवंबर 2019 को, तो उसका रिज़ल्ट यहाँ पर अभी शो हो रहा है, डिक्लेयर हो गया है फॉर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन। तो जो भी कैंडिडेट्स अभी पेपर 2 में जो सिलेक्ट हुए हैं, क्वालिफाई हुए हैं, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो मैं अभी आपको इस रिज़ल्ट दिखाता हूँ। देखिए इसका कौन कौन क्वालिफाई, कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, देखें देखते हैं। अभी ये मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन, जैसे अपन ये ओपन करेंगे तो ये PDF शो होगी। तो इसमें है MTS जो नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 में है, जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं, ये उनकी डिटेल्स है। सो ये जितने भी जैसे कि कैंडिडेट्स यहाँ पे दो ग्रुप में बांटा गया है। जैसे कि फर्स्ट कैंडिडेट्स का जो ग्रुप है वो है 18 से 25 साल का जो एज ग्रुप है उसमें बांटा गया है, जिसमें से 4,214 कैंडिडेट्स OBC के सिलेक्ट हुए हैं, बाकी SC ST इन सब के हैं। सो टोटल यहाँ पे 17,004 सेलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट्स 18 से 25 ईयर्स के ग्रुप वाइज में, और बाकी जो 18 से 27 ईयर्स के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो है 3,898, जो कि 18 से 25 साल से बहुत कम है। सो ये यहाँ पे है, दो ग्रुप्स में बांटा गया है। अगर हम देखें इसका रेशियो, तो जैसे कि इन्होंने बताया अभी वैकेंसी जो 10 से कम है वैकेंसी या बराबर है, तो उसको 1:3 के रेशियो के हिसाब में से बुलाया जाएगा, और जो 10 से कम है तो उसको 1:2 के हिसाब से बुलाया जाएगा। तो अगर अब अभी देखते हैं कि जो अपन यहाँ पे पेपर 2 में कैसे मार्किंग हुई है, जैसे कि पैराग्राफ 17.5 में दे रखा है, जैसे कि क्वालिफाइंग मार्क्स पेपर 2 में वो फिक्स है 20 मार्क्स, दैट इज़ 40% फॉर UR कैटेगरी है, और 17.5 मार्क्स है 35% फॉर ऑल रिजर्व कैटेगरीज। 17.5 रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है, तो 35% उनके लिए है, तो यहाँ पर फिक्स्ड है, फिक्स्ड है ये। तो अगर एक और बात होती है, यहाँ पे जो टाई केसेस होते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, वो देखने की चीज़, अगर किसी के पेपर 2 में दोनों के सेम मार्क्स हैं तो डेट ऑफ बर्थ से चेक करेंगे, जो भी ओल्डर होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर एज भी सेम निकली दोनों की, तो देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के थ्रू नाम से प्रेफरेंस दी जाएगी, डिसाइड होगा कौन किसके लिए हकदार है। देन ये जो 8 कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, उनको डिवाइड किया गया है एग्जामिनेशन से। सो आगे देखते हैं, ये कट ऑफ है हमारे कैटेगरी वाइज है, जो भी जिस भी रीज़न से, रीज़न वाइज है, जिस भी रीज़न से सिलेक्ट हुआ हो उसकी कट ऑफ यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि ये एज ग्रुप एनेक्जर 1 में 18 से 25 एज ग्रुप वालों के लिए है, जिसमें अगर हम राजस्थान का देखें, आसाम, मेघालय, दिल्ली, ये राजस्थान का देखें अगर अपन, इसमें से जो तो OBC कैंडिडेट्स हैं, OBC की है यहाँ पर, जैसे कि 88.6 मार्क्स थे पेपर फर्स्ट में, और जो अभी पेपर 2 में मार्क्स आए हैं वो 20 मिनिमम कट ऑफ है, ठीक है। तो ये थी यहाँ पे कट ऑफ। और अगर अपन देखें ये एनेक्जर 2 में जो कट ऑफ की डिटेल्स अगर अपन बात करें 18 से 27 साल के लिए, तो यहाँ पे भी अगर अपन राजस्थान की देखते हैं, तो यहाँ पे राजस्थान की देखें, अगर अपन OBC की देखते हैं, तो ये यहाँ पर है, उसमें 18 से 27 साल वालों के 88.43 मार्क्स है कट ऑफ पेपर 1 में, और पेपर 2 में 28 मार्क्स, जो कि 18 से 25 साल वालों से ज़्यादा है 28 मार्क्स, ठीक है, 8 मार्क्स ज़्यादा है। तो अगर अपन इस PDF से अगर आगे चले रिज़ल्ट की, कि किन जो रिज़ल्ट की PDF देखते हैं, फर्स्ट PDF में देखते हैं, फर्स्ट PDF में देखिए टोटल 17,004 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। सुबोध कुमार आर्य लास्ट नाम है, तो देखिए इतने सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं 17,000 फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दिस इज़ द लिस्ट 1, ओके, दिस इज द लिस्ट 1 फॉर एज ग्रुप ऑफ 18 से 25 ईयर्स।
रोल नंबर वालों के लिए जो भी है, सबके रोल नंबर है यहाँ पे, ठीक है। और जो PDF 2 है उसमें देखिए आप 3898 है, बाबुल कुमार है, ठीक है, बाबुल कुमार है लास्ट में 397,3898। इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो इसमें आपका नाम देख लीजिएगा। मैं ये तीनों PDF जो भी है, ये तीनों PDF है, लिस्ट 2 की है, देखिए 18 से 27 साल वाला बच्चे जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी रिजल्ट है ये। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों लिस्ट में देख लीजिएगा आप, अगर आपको कन्फ्यूजन हो, आपका नाम दोनों लिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं तीनों PDF आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से चेक करिए। और डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में अपना रिजल्ट बताइए कि सिलेक्ट हो गए या नहीं हुए, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू, बाय।